हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीनियर शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपको जो है ना हिंदी के किताब के माध्यम से जो है ना आपको हिंदी लिखना सिखाएंगे। यानी हम बोलेंगे और आपको क्या करना है, मेरी आवाज को सुन करके अपने कॉपी में लिखना है। तो आप जो है ना कॉपी और कलम लेकर तैयार हो जाइए। तो आइए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा स्टोरी है खरगोश के चार मित्र। खरगोश के चार मित्र, ठीक है, ये हमारा आज का स्टोरी है। तो चलिए अब आप अपने कॉपी में लिखिए, ठीक है, फटाफट लिखिएगा आप। और आपको जहां पे भी लिखने में थोड़ा मतलब प्रॉब्लम होगी या जहां पे आप धीरे हो जाएंगे वहां पे क्लास को स्टॉप कर दीजिएगा, फिर लिखने के बाद जो है ना आप आगे बढ़ाइएगा। इस तरह से क्लास को रुक करके लिखिएगा, बढ़ाइएगा। अगर जहां पे प्रॉब्लम होगा, अगर आप सुनकर लिख लेते हैं तो ठीक है, अगर लिखने में थोड़ा सा आप धीमा है तो आप क्लास को रोक रोक के आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए आप। एक खरगोश था, एक खरगोश था। देखिए खरगोश इस तरह से लिखिएगा आप, तालव्य श, ठीक है ना। एक खरगोश था जिसके चार मित्र थे, 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 ठीक। देखिए कौन कौन सा है, घोड़ा, पहला घोड़ा, कोमा दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। देखिए यहां पे चार मित्र थे, जिसके चार मित्र थे, जहां पे थे आया होगा ना वहां पे इस तरह से दीजिएगा, ठीक है। अब लिखिए यहां पे घोड़ा, घोड़ा और कोमा दीजिएगा यहां पे। कोमा कहेंगे तो इस तरह से आपको कोमा देना है, पूर्ण विराम कहेंगे तो इस तरह से दीजिएगा आप, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए घोड़ा हो गया, कोमा गाय, फिर कोमा दीजिएगा बकरी और हिरण, हिरण हिरण, तब पूर्ण विराम लास्ट में दीजिएगा। हिरण के बाद जो है ना पूर्ण विराम इस तरह से दीजिएगा जो यहां पे हम बताए, ठीक है। चलिए अगला वाक्य आपको लिखना है। एक दिन कुत्तों ने खरगोश का पीछा किया, एक दिन कुत्तों ने खरगोश का पीछा किया, एक दिन कुत्तों ने खरगोश का पीछा किया, एक दिन कुत्तों ने खरगोश का पीछा किया। क्या आपने लिख लिया? चलिए किया के जो लास्ट होगा ना वहां पे पूर्ण विराम दे दीजिएगा। चलिए अगला वाक्य आपको लिखना है। वह डरकर मित्रों के पास पहुंचा। देखिए मित्रों इस तरह से लिखिएगा आप, मित्रों, आप मित्रों इस तरह से मत लिखिएगा, मित्रों, ठीक है, ये आपका गलत होगा, ये आपका सही होगा, ठीक है। वह डरकर अपने, सॉरी यहां पे देखिए, वह डरकर मित्रों के पास पहुंचा, वह डरकर मित्रों के पास पहुंचा, वह डरकर मित्रों के पास पहुंचा, पहुंचा के बाद पूर्ण विराम दीजिएगा, ठीक है। चलिए घोड़ा बोला, घोड़ा बोला, मैं कुत्तों से तुम्हें कैसे बचाऊं, घोड़ा बोला, मैं कुत्तों से तुम्हें कैसे बचाऊं, घोड़ा बोला, मैं कुत्तों से तुम्हें कैसे बचाऊं, ठीक है। और बचाऊं के बाद जो है ना यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह दीजिएगा, ठीक है। चलिए मेरे तो सींग ही
नहीं है, मेरे तो सिंह ही नहीं है। एक बार फिर से सुनिए, मेरे तो सिंह ही नहीं है, पूर्ण विराम। चलिए अगला देखिए, खरगोश दुखी होकर गाय के पास गया। खरगोश दुखी होकर गाय के पास गया, पूर्ण विराम, गया के बाद पूर्ण विराम दीजिएगा, ठीक है। खरगोश दुखी होकर गाय के पास गया। आगे लिखिए, सारी बातें सुनकर गाय बोली, सारी बातें सुनकर गाय बोली, अभी थोड़ी देर में मालिक दूध लेने आएंगे। सारी बातें सुनकर गाय बोली, अभी थोड़ी देर में मालिक दूध लेने आएंगे। आएंगे के बाद पूर्ण विराम दीजिएगा, ठीक है। उनसे कहकर देखूंगी, उनसे कहकर देखूंगी, उनसे कहकर देखूंगी, पूर्ण विराम, ठीक। चलिए, खरगोश समझ गया कि गाय उसे टाल रही है। खरगोश समझ गया कि गाय उसे टाल रही है के बाद पूर्ण विराम विराम दीजिएगा, ठीक है। खरगोश समझ गया कि गाय उसे टाल रही है, ठीक, पूर्ण विराम दीजिएगा। वह बकरी के पास पहुंचा, वह बकरी के पास पहुंचा, वह बकरी के पास पहुंचा, पूर्ण विराम दीजिएगा पहुंचा के बाद, ठीक है। बकरी बोली, बकरी बोली, पूर्ण विराम के बाद लिखिएगा, बकरी बोली, मैं स्वयं कुत्तों से डरती हूं। बकरी बोली, मैं स्वयं कुत्तों से डरती हूं। स्वयं देखिए इस तरह से लिखिएगा आप, ठीक है, स्व या के ऊपर यहां पे बिंदी दीजिएगा, ठीक है ना, स्वयं। देखिए एक बार और सुन लीजिए, बकरी बोली, मैं स्वयं कुत्तों से डरती हूं, पूर्ण विराम। चलिए आगे लिखिए आप, ठीक है। अब खरगोश हिरण के पास गया, 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 पूर्ण विराम, ठीक है। हिरण ने कहा, हिरण ने कहा, मुझे तो मनुष्य ने पालकर डरपोक बना दिया है। हिरण ने कहा, मुझे तो मनुष्य, मूर्धन्य ष का आधा दीजिएगा, आधा मूर्धन्य ष, ठीक है ना। हिरण ने कहा, मुझे तो मनुष्य ने पालकर डरपोक बना दिया है। हिरण ने कहा, मुझे तो मनुष्य ने पालकर डरपोक बना दिया है, पूर्ण विराम। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, 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 पूर्ण विराम। चलिए
आगे देखिए, मित्रों की बात से खरगोश की आंखें खुल गई। मित्रों की बात से खरगोश की आंखें खुल गई। मित्रों की बात से खरगोश की आंखें खुल गई। गई के बाद पूर्ण विराम दीजिएगा, ठीक है। मित्रों की बात से खरगोश की आंखें खुल गई, पूर्ण विराम। चलिए, उसने सोचा, कोमा दीजिएगा, उसने सोचा के बाद कोमा, मुझे अपनी टांगों का भरोसा करना चाहिए। उसने सोचा मुझे अपनी टांगों का भरोसा करना चाहिए। उसने सोचा मुझे अपनी टांगों का भरोसा करना चाहिए, पूर्ण विराम। बस कोमा, बस के बाद कोमा दीजिएगा इस तरह से। बस उसने ऐसी दौड़ लगाई कि, बस उसने ऐसी दौड़ लगाई कि कुत्ते उसे कभी पकड़ नहीं पाए। पाए के बाद पूर्ण विराम दीजिएगा, ठीक है। बस उसने ऐसी दौड़ लगाई कि कुत्ते उसे कभी पकड़ नहीं पाए। एक बार और आप सुन लीजिए, ध्यान से लिखिए। बस उसने ऐसी दौड़ लगाई कि कुत्ते उसे कभी पकड़ नहीं पाए, पूर्ण विराम। चलिए आगे लिखिए, सच ही कहा गया है, सच ही कहा गया है, संसार में अपने पर भरोसा करने वाले ही संकटों का सामना कर पाते हैं। एक बार और सुनिए आप, सच ही कहा गया है, संसार में अपने पर भरोसा करने वाले ही संकटों का सामना कर पाते हैं। चलिए लास्ट एक बार और सुनिए, सच ही कहा गया है, संसार में अपने पर भरोसा करने वाले ही संकटों का सामना कर पाते हैं, और पूर्ण विराम। तो फ्रेंड्स, आज के इस हिंदी लिखने के क्लास में बस इतना ही। आज का यह क्लास आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस क्लास को जो है ना अपने सभी फ्रेंड्स को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी घर बैठे इस क्लास के माध्यम से हिंदी लिखना सीखते रहे। और चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन दिखेगा ना उसको ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे तो उस वेन आप तक पहुंचता रहेगा। और हाँ, ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना पेज, इससे आप मिला लीजिए कि आप कौन कौन सा वाक्य जो है ना सही लिखा है और कौन कौन सा गलत लिखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, बस इतना ही आज की इस क्लास में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी लिखने के क्लास में।